अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों ने उर्दू पढ़ा बहुत सारा, और आज हम लोग देखिए, हम लोगों ने पिछला सबक जितना भी पढ़ा था सब सालिम हरूफ पढ़ा था। देखिए ये वाली बुक में जितना भी हम लोगों ने एक हर्फ वाला पढ़ा, दो हर्फ वाला पढ़ा, तीन हर्फ वाला पढ़ा, चार हर्फ वाला पढ़ा, मद पढ़े, जज़म पढ़े, ज़बर ज़ेर पेश पढ़ा, अभी तक जितना पढ़े थे सब सालिम पढ़े थे। मतलब कि पूरा पूरा लेटर्स लिख कर हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे अलिफ पूरा, मीम पूरा, दाल पूरा, शे पूरा, वाव पूरा, ये पूरा। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे अलिफ है, बे है, पे है, ये सब का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उससे पढ़ेंगे। हर जगह तो पूरा वर्ड आएगा नहीं। जैसे बे है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो पीछे हम लोग एक बुक पढ़ चुके हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, अलिफ से लेकर ये तक पूरा अलग अलग एग्जाम्पल देकर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बे पहले आता है तो कैसे लिखते हैं उसको, बाद में आता है तो कैसे लिखते हैं, बीच में आता है तो कैसे लिखते हैं, लास्ट में आता है तो कैसे लिखते हैं। ये हम लोगों ने पूरा अलिफ से लेकर ये तक पूरा जितना भी हुरूफ तहजी है पूरा लेटर्स हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोगों ने सीखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, तब आपको ये सबक और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं ये वाली बुक में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले असबाक में हमने सालिम हरूफ के अल्फाज लिखे हैं, मतलब जो पूरे पूरे लफ्ज आते हैं उसको लिखा है। आइंदा ऐसे अल्फाज लिखे जाएंगे जिनमें हर्फ टुकड़े कर करके लिखे गए हैं, मतलब बे का, पे का, ते का, जो भी शॉर्ट फॉर्म आता है वो हम लोगों को अब पढ़ना है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को हरूफ की टूटी हुई शक्लें अच्छी तरह जहन नशी करा दी जाएँ। इसी मकसद से सूरत ज़ेल पर खसूसी तवज्जो दी जाए। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहला लेटर्स है हम लोगों का अलिफ, क्या है हम लोगों का ये अलिफ। देखिए अलिफ, ये नॉर्मल अलिफ होता है, जैसे हम लोग अलिफ लिखते हैं। और ये जो अलिफ है दूसरी वाली, ये जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ये देखिए ये अलिफ है ना। देखिए ये ऐसे, एक ऐसे अलिफ आती, थोड़ा सा ऐसे, मतलब इसके पहले कोई लेटर लगा होगा तब ये अलिफ आएगी। जैसे बा हम लोग को खींच कर लिखना है तो उसमें अलिफ आगे आएगी, तो ये बे के आगे देखिए बा, देखिए इसका यही यूज है, देखिए बा। फिर है दूसरा लेटर हम लोगों का बे, बे का देखिए एक ऐसी शक्ल होती है, एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है, जहां जहां उसका यूज होगा, जैसे जैसे बीच में आएगा तो ऐसा रहेगा, शुरू में आएगा तो ऐसा। देखिए बे की ऐसी शक्ल होती है। सिर्फ नुक्ते से देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो ये वाली वीडियो थी हम लोगों ने तो इसको पढ़ा था कि कैसे ये लिखाएगा। हम लोग एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल ले लेकर इसको पढ़े थे, शुरू में, बीच में, लास्ट में कैसे लिखाएगा, आप लोग वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। देखिए फिर आता है पे। देखिए बे, पे, ते, टे, से, ये जितना एक शेप का लेटर्स है, ये जितना पांचों लेटर्स है उसका सब फॉर्मूला सेम होगा। देखिए पहला वाला सब सेम है ना, सिर्फ नुक्ते का फर्क है, दूसरा वाला सब सेम है, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, जितनी भी इसकी शक्ल है टूटी हुई सब सेम सेम रहेगी। जितना भी लेटर्स एक शेप का रहेगा उसका फॉर्मूला सब सेम रहेगा। बे सिर्फ नुक्ता से, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन नुक्ता, ते के ऊपर दो नुक्ता, टे के ऊपर एक छोटी सी तो, और से के ऊपर तीन नुक्ता। देखिए सब में यही है, यही फॉर्मूला है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। फिर आता है जीम, चे, हे, खे, ये चारों जहाँ पर होगा उसका देखिए शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिखाएगा। एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, चार तरीके से लिखाएगा चारों में। सिर्फ इसमें भी नुक्ते का फर्क है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर कर रख लीजिए, अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है दाल, दाल, जाल। देखिए दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, बड़ी जे। देखिए दूसरे हर्फ से मिलने पर दाल रे की शक्ल अख्तियार कर लेती है। देखिए एग्जाम्पल एक ले लीजिए आप, जैसे कि
हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग दाल है, ये पूरा दाल ऐसे लिखा है और रे ऐसे लिखा है, लेकिन जब दाल किसी लेटर में दूसरे लेटर में मिल जाएगी तो ये दाल जो होगी वो ऐसे रे बन जाएगी। देखिए इसमें यही बताया गया है। फिर दाल है रे, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें नोट में, अलिफ दाल जाल रे अड़े जे और वाव, ये 9 सर्फ ऐसे हैं जो अपने पहले हर्फ से मिला करते हैं और अपने बाद वाले हर्फ से ये नहीं मिला करते। मतलब 9 ऐसे लेटर्स हैं जो पहले लेटर्स, मतलब इसके पहले अगर कोई लेटर आएगा तो वो मिलेगा, अगर उसके बाद कोई लेटर आएगा, जैसे अलिफ के बाद कोई लेटर आएगा तो वो दूसरे में नहीं मिलेगा, डाल के बाद अगर कोई लेटर आएगा तो डाल पूरा लिखेंगे, ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। फिर ये रे देख लीजिए, ये रे की ऐसी शॉर्ट फॉर्म होती है शक्ल। एक और ये अड़े है, अड़े की देखिए ये टूटी हुई शक्ल है। ये जे है, इसके देखिए ये टूटी हुई शक्ल है। नुक्ते से सब पहचानिएगा आप, देखिए रे अड़े जे और बड़ी जे, ये जितनी चारों है ये सब सेम लिखा है, सिर्फ नुक्ते का फर्क रहेगा। देखिए अब छोटी सीन देख लीजिए, छोटी सीन की क्या शक्ल होती है, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4। एक सीन देखिए हम लोग ऐसे पढ़े थे अभी तक, देखिए सीन एक, देखिए सीन, ऐसे भी सीन हम लोग लिख सकते हैं, इसकी दोनों शक्ल होती है, सीन ऐसे भी लिख सकते हैं, सीन ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी तरह बड़ी शीन भी आएगी, सीन देखिए सीन ऐसे ही है, बड़ी शीन का भी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। फिर स्वाद का शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, ये और ये। फिर स्वाद का देख लीजिए, तो है जो है, देखिए जो। फिर उसके बाद हम लोगों का आएगा आइन, देखिए आइन का शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, एक इस तरीके से, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फिर गैन है, देखिए इस वजह से मैं नहीं लिख रही हूँ कि पहले हम बहुत तफसील से बता चुके हैं, इस वजह से आप लोग सिर्फ बुक से जहन नशे कर लीजिए। देखिए फे है, बड़ी काफ है, ये दोनों नुक्ता नुक्ता से पहचानेंगे। फिर छोटी काफ है, देखिए छोटी काफ की शक्ल देख लीजिए कैसी होती है, एक ऐसे, देखिए ये अलिफ हो गया, ये इस तरीके से लिखेंगे ऐसे, एक ये शक्ल इसकी होती है छोटी काफ की, एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है, देखिए इसी तरीके से, देखिए हुआ ना। फिर गाफ इसी तरीके से है, लाम है, देखिए लाम की शक्ल देख लीजिए, मीम की छोटी शक्ल देख लीजिए, नून की देख लीजिए, तब आप जहन नशे कर लीजिए। वाव की देख लीजिए, वाव की एक ही शक्ल है। हे की देख लीजिए, 4 है। ये की देख लीजिए और बड़ी ए की देख लीजिए। आप लोग इसको अच्छे से जहन नशे कर लीजिए और जो वीडियो हमने मेंशन किया है उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।